हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो एक बार में ही वो फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाती है। कारण ये होता है कि कभी कभी या तो उनकी हाइट विथ कम हो जाती है, या फिर DPI में सेटिंग गड़बड़ा जाती है, या फिर जैसे कि आपका फाइल साइज जो होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं आप। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो कि एक बार में एक जगह से सही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसी सब को लेके ये वीडियो बनी है जिसमें मैं एकदम आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना जो ये फोटो एंड सिग्नेचर है वो एकदम आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस तरह से मैं आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके भी बताऊंगा, जिससे बाद में ये ना रहा है कि मैं तो बता के निकल लूँ लेकिन उसके बाद भी आपकी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पूरा डेमो इस वीडियो में मिलेगा, तो जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने फोटो को अपलोड करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, जिससे भी जितनी सारी सेटिंग रिक्वायर होती है फोटो एंड सिग्नेचर को लेके वो सारे जो सेटिंग है वो एक बार में ही सेट हो जाएगी। और ये स्टेप्स आपको जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है उन सब में आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर की फोटो लेनी है। जैसे कि आप अपने मोबाइल से फोटो ले लीजिए या फिर स्कैनर के थ्रू स्कैन करा लीजिए, एंड इसको लेके आप अपने PC में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग डायमेंशन सेट करते हैं, जैसे कि जितना भी डायमेंशन मांगा जाता है 3.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर में। ठीक है, पावर पॉइंट के थ्रू हम इसका डायमेंशन सेट करेंगे, एंड उसके बाद से DPI की हम लोग सेटिंग करेंगे, जितनी भी DPI मांगता है इसमें। जैसे मानिए एग्जांपल 200 DPI मांगा है तो हम 200 DPI कैसे सेट करेंगे ये हम लोग जानेंगे, एंड उसके बाद फाइल साइज को मेंटेन करना हम लोग सीखेंगे। कितना हम लोग, जैसे कि लेस देन 30 KB, लेस देन 20 KB, बहुत सारी चीज़ें मांगा जाता है तो किस तरह से इसको सेट किया जाता है ये भी हम लोग जानेंगे। और अंत में हम लोग फोटो अपलोड करके भी देखेंगे कि क्या फोटो अपलोड हो रही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग ये काम करते हैं कि डायमेंशन सेट करते हैं। तो किस तरह से हम लोग डायमेंशन सेट करते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आपको पावर पॉइंट यहाँ पे टाइप करना होगा, एंड जो पहला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है इस पर आप क्लिक करिएगा, एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इंसर्ट पे जाना होगा, इंसर्ट पे जो सेकंड ऑप्शन है, एंड उसके बाद यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाना होगा, एंड यहाँ पे आपको चूज करना होगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे आप पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, एंड पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको उस फोल्डर पे जाना होगा जहाँ पे आपने फोटो एंड सिग्नेचर को सेव किया है अपने मोबाइल के थ्रू। तो सबसे पहले हम फोटो लेते हैं एंड इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके फोटो खुल के आ जाती है। एंड उसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको क्रॉपिंग हल्की फुल्की करनी है तो यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं फोटो को। ठीक है, जैसे मैं साइड से थोड़ा सा क्रॉप करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप करके आप बाहर क्लिक कर दीजिए तो ये क्रॉप हो जाता है। एंड उसके बाद से आपको हाइट एंड विड्थ सेटिंग करनी होती है। तो जैसे हाइट आपकी 4.5 इसमें थी एंड 3.5 इसकी विड्थ थी, तो इसको सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना होगा, एंड फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइड में हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन मिल जाता है। एंड उसके पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो बटन है नीचे साइज एंड पोजीशन का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा एक इंटरफेस खुल के आ जाता है, तो जिसमें कि आपको हाइट एंड विड्थ के साथ साथ आप इसकी ब्राइटनेस, शार्पनेस कुछ भी इसमें बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग हाइट एंड विड्थ बढ़ाते हैं। तो हाइट एंड विड्थ बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉक एक्सेप्ट रेशियो पे अनटिक करना होगा। अगर आप इसको अनटिक नहीं करेंगे तो हाइट अगर जैसे आप चेंज करेंगे तो विड्थ जो है वो अपने आप अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट को सबसे पहले हम लोग कर देते हैं 4.5, एंड जो विड्थ है उसको हम लोग कर देते हैं 3.5। तो 3.5 इसकी विड्थ हो गई। तो ये जो सेटिंग है हमारी हो गई 4.5 एंड 3.5 की। तो अगर इसके अलावा आपको ब्राइटनेस या कुछ और भी बढ़ाना है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, शार्पनेस, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट कुछ भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल जो हाइट एंड विड्थ का मामला था वो चीज़ सॉल्व हो गया है। अब हमें इसे सेव करना है, तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, एंड यहाँ पे सेव एज पिक्चर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे कोई भी जैसे नाम आपको देना है तो यहाँ पे दे दीजिए, पिक्चर 5 नाम से है। एंड ध्यान रखिएगा ये जो सेव एज टाइप है वो JPG रहे। ठीक है, कभी कभी PNG होता है तो PNG में आपको नहीं करना है, आपको JPG में करना है। ठीक है, तो JPG में करके आप इसको सेव कर लीजिए। तो फोटो हमारी सेव हो गई है। अब हमको सिग्नेचर में सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इंटर दबाइए। ओके, तो यहाँ पे एक और ब्लैंक स्लाइड खुल जाएगी, एंड उसके बाद से आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, फिर उसी तरह वही काम करना है, एंड इस बार हमें सिग्नेचर लेना है। ओके,
तो यहाँ पे हमारा सिग्नेचर खुल के आ जाता है। एंड उसी तरह से हमें हाइट एंड विड्थ करनी है, तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है उसको आपको खोलना है और यहाँ पे लॉक एक्सेप्ट रेशियो को अनटिक पहले कर देना है एंड उसके बाद से ही आगे की सेटिंग करनी है। तो 1.5 हमारी जो है वो हाइट होनी चाहिए एंड 3.5 जो होनी चाहिए हमारी विड्थ होनी चाहिए। तो 3.5 मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो जो हमारी सेटिंग है वो हो गई है। एंड इसको भी हम सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेव एज पिक्चर एंड यहाँ पे पिक्चर 6 के नाम से सेव होगा, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और ध्यान दीजिएगा सेव एज टाइप, ये JPG होना चाहिए, तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो जो हमारी पिक्चर एंड सिग्नेचर का जो डायमेंशन था वो सेट हो चुका है। अब हमको देखना है इसका DPI कितना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाते हैं एंड प्रॉपर्टी जाने के बाद यहाँ पे डिटेल का पे जाएंगे। तो डिटेल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन वर्टिकल रेजोल्यूशन दिख जाएगा। तो यहाँ पे 142 DPI इसका है एंड 138 DPI इसका वर्टिकल रेजोल्यूशन है, जबकि हमें चाहिए कितना 200 DPI का। तो इसको किस तरह से सेट करते हैं, सबसे पहले आपको सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाना होगा एंड गूगल पे जाने के बाद आपको ऑनलाइन DPI चेंज टाइप करना होगा। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पे पहली वेबसाइट खुल जाती है convert.town, इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस पर आप क्लिक करिए, तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी DPI वैल्यू सेट करनी होती है। जैसे मुझे चाहिए कितना 200 DPI चाहिए, तो मैं यहाँ पे 200 टाइप करता हूँ एंड चूज़ फाइल पे इस पर क्लिक करना होगा। एंड आपको जो भी आपकी फ़ोटो है यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मुझे 200 DPI के बनाना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी आपकी फ़ाइल, ठीक है, कितने 200 DPI में। अब मुझे सिग्नेचर का भी चाहिए, तो सिग्नेचर को भी मैं चूज़ कर लेता हूँ इसी समय। तो पिक्चर एंड देन ओपन, तो ये भी अपने आप सेव हो गई है, ठीक है। तो नाम क्या है, पिक्चर 5200 एंड 6200, यानी कि 200 जो लिखा है वो इसका 200 DPI में हो गया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे ये चीज़ सेव हुआ है, तो ये डाउनलोड में सेव हुआ होगा जहाँ भी आप डाउनलोड किए होंगे। तो मैं डाउनलोड से ले आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट हो गया है। तो मैं इसकी अब सेटिंग देख लेता हूँ कि कितना कितना इसका DPI है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में वापस जाता हूँ और देखता हूँ, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 200 DPI का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों का रिजोल्यूशन 200 DPI हो गया है, यानी कि हमारी डायमेंशन सेट हो गई है एंड DPI सेट हो गई है। अब हमको जो तीसरा काम करना था वो क्या था, वो था फाइल साइज़ को मेंटेन करना, ठीक है। आपकी फ़ोटो का जो साइज़ है वो लेस देन 30 KB होना चाहिए एंड जो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो लेस देन 20 KB होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं गाइडलाइन पे कि यहाँ पे लिखा रहता है फोटो इमेज इज नॉट मोर देन 30 KB एंड साइन इमेज इज नॉट मोर देन 20 KB। तो इसको किस तरह से हमें सही करना है, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का जो साइज़ है वो कितना है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने बनाया है इसका साइज़ 46.8 KB दिखा रहा है, ओके। एंड जो सिग्नेचर का साइन दिखा रहा है वो 13.9 KB दिखा रहा है, तो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो तो ठीक है बट जो पिक्चर का साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे लेस देन 30 KB चाहिए लेकिन ये है 46.8 KB। तो इसको किस तरह से कम करेंगे, इसके लिए भी ऑनलाइन सॉल्यूशन है। आपको सीधे गूगल पे जाना होगा एंड रायोड टाइप करना होगा। रायोड टाइप करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे पहली जो वेबसाइट है इसको आपको क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो मात्र 1-2 MB का है शायद। तो यहाँ पे आप जैसे इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ब्लू बटन पे, आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, इसकी और जो DPI सेटिंग की, इन दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, तो वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट इस लिंक पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च बॉक्स पे सीधे रायोड पे आप जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको खुल जाएगा एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप ओपन करिए एंड ओपन करने के बाद आपकी जो पिक्चर की साइज़ है, जैसे कि मुझे 46.8 KB ये साइज़ है, तो इसको मुझे सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे इनिशियल इमेज दिखाता है और ये ऑप्टिमाइज इमेज दिखाता है, तो ये ऑप्टिमाइज इमेज अपने आप 29.76 KB हो जाती है, ओके। अगर आपको और भी कम करना है तो यहाँ से आप क्वालिटी से और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे जितना आप कम करते जाएंगे आपकी जो देखिए यहाँ पे साइज़ है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। आपको लेस देन 30 KB करना है तो मैं यहाँ पे 30 KB के करीब ही रखता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगी, ठीक है। 29.76 जो है वो सही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी जो है साइज़ है वो सेटिंग हो चुकी है, तो इसको मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसे पूछता है कि आपको पहले वाली इमेज से रिप्लेस करना है या फिर अलग से सेव करना है, तो अगर मैं इसी पर रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यस कर दूंगा, नहीं तो नो कर दूंगा और अलग से सेव करूँगा। तो अलग से सेव करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ रीनेम दे दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर फाइनल नाम से दे देता हूँ, ओके।
तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। और ध्यान रखिएगा ये जेपीजी जेपीईजी इमेज में ही रहनी चाहिए, ठीक है, किसी और इमेज में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो अब हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है वो चीज़ हो गया है। तो अब हम देखते हैं हमारा ये पिक्चर फाइनल है। इसकी साइज़ देखिए 29.7 KB दिखा रहा है, एंड जो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो हमारा 13.9 KB दिखा रहा है। अब हमको क्या करना है, फाइनली इसको अपलोड करके देखना है कि क्या ये अपलोड हो रही है या फिर नहीं। ओके, तो सिंपली मुझे यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा। तो चूज़ फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ, ठीक है, फाइनल वाला जैसे था, तो मैं इसको फाइनल पे सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेटिंग हो गई है। एंड चूज़ फाइल पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी डिक्रीज नहीं किया है साइज़ का, क्योंकि इसका साइज़ पहले से 13.9 KB था, तो इसको साइज़ कम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फाइल जो है वो चूज़ हो गई है। ओके, अब हम अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिख के आ जाता है फोटो इमेज एंड साइन इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी फॉर्म के लिए जो अपना फोटो एंड सिग्नेचर होता है उसको आसानी से अपलोड कर सकते हो एक ही बार में। जो मैंने यहाँ पे आपको चार स्टेप बताए हैं, यहाँ पे जो मैंने चार स्टेप बताए हैं, अगर इस चार स्टेप को फॉलो कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी स्टेप में। कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशन तो सेट हो जाता है लेकिन DPI में सेटिंग थोड़ी वो इधर उधर हो जाती है, तो इसके लिए भी जो फोटो है वो अपलोड नहीं हो पाती है। तो ये सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, हर एक स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे तो एक ही बार में आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। आप एकदम प्रो बन जाओगे इसमें, मास्टर बन जाओगे, किसी की भी फोटो आप इसमें अपलोड कर सकते हो बिना किसी इरर के। ओके, इसके अलावा भी एक दो प्रॉब्लम और होती है लोगों को, जैसे कि यहाँ पे फोटो तो होती है लेकिन आपको नीचे यहाँ पे सिग्नेचर भी अटैच करना होता है। तो इसको भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जल्दी से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ सिग्नेचर लिया, इसको मैं कॉपी करके इस पर जाके यहाँ पे जैसे पेस्ट किया मैंने। ओके, तो पेस्ट करने के बाद ये दोनों की सेटिंग तो सेम ही है, ठीक है, जो विथ है वो 3.5 सेंटीमीटर दोनों की है, तो ये दोनों बराबर ही आ गए, ठीक है। इसको नीचे मैंने रखा एंड उसके बाद क्या किया, मैंने CTRL दबाया एंड इसको सिलेक्ट किया एंड इस पर क्लिक किया, ठीक है, इस पर क्लिक किया, इस पर दोनों पर क्लिक किया। जब दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे फिर इसको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो ग्रुप का ऑप्शन है इसको ग्रुप कर देना है। ओके, जब ग्रुप कर देंगे तो ये दोनों फोटो एक हो जाएगी। एंड उसके बाद से यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली सेव एज पिक्चर वही चीज़ करेंगे। एंड यहाँ पे आप PNG में, देखिए यहाँ PNG में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर JPG में बनाना है तो यहाँ पे आप JPG करें और यहाँ पे वापस से इसको सेव कर दीजिए, तो ये चीज़ सेव हो जाती है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं जाके, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे Picture 7 के नाम से ये चीज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गई है। तो इस तरह से आप अटैच भी कर सकते हो, किसी भी डेट भी डाल सकते हो, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड बाकी DPI एंड कंप्रेस करने के लिए तो मैंने आपको दोनों ऑनलाइन जो मेथड है वो बता ही दिए हैं, और इसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दे दी है। तो वहाँ से जाके आप एकदम आराम से इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपकी फ़ोटो अपलोड हो गई हो, तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाएगी किस तरह से एकदम आसानी से फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, नीचे कमेंट में भाई लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि किस तरह से हम फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करें, किस तरह से बहुत ही परेशानी हो रही है। तो ये सारी परेशानी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दूसरे मेथड से भी आपको फोटो अपलोड करना सिखा दूंगा। बिकॉज ये बहुत ईजी मेथड था इसीलिए मैंने आपको ये मेथड बताया है, लेकिन इसके अलावा भी और पेंट से भी होता है और फोटोशॉप से भी होता है, तो कई सारी मेथड भी और भी हैं। अगर आपका इससे काम बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बन रहा है तो मैं उससे भी आपको करके बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।